लो एक और गाना खत्म हो गया है, अब भी कोई बाहर नहीं आया। दूसरी कोई फिल्म होती और गाना चल रहा होता तो जनता की लाइन लग गई होती यहाँ पर। कुछ बिका नहीं क्या? अरे एक समोसा तक नहीं बिका यार, बात कर रहा है तू भी। पिक्चर भी हिट है और गाने भी, अभी तक हॉल से एक भी आदमी बाहर नहीं निकला है। अरे रो मत यार, इंटरवल में सब खाली हो जाएगा, सारी पब्लिक खुश होगी तो दबा कर खाएगी। वैसे फिल्म सॉलिड है, क्या एक्शन है, क्या डायलॉग्स है। अब तू क्या करेगा, तेरा एक हाथ तो काम से गया, पिस्तौल फेंक दे। तुझे मारने के लिए मुझे दूसरे हाथ की जरूरत नहीं है, मेरा बायां हाथ ही काफी है। पीछे देख, कोई और गोली मार रहा है। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगा, नहीं तो तू मुझे मार देगा। मैं तीन तक गिनूंगा, फिर गोली चलेगी, देखते हैं कौन जिंदा बचता है और कौन मरता है। एक, दो, तीन। सर लगता है खूनी पीछे वाली सीट पे बैठा था। ये देखिए सर, सीट के आर पार छेद हो गया, गोली सीधे दिल पे लगी है। He must have died on the spot। मगर ये आदमी है कौन और इसे यहाँ थिएटर में किसने गोली मारी होगी? ये इसकी तलाशी ली? नहीं सर अभी तक नहीं, जल्दी ले लो। सर एक मिनट, जरा ये जो लोग यहाँ पीछे वाली सीट पे बैठे थे वहां खड़े हुए। आप में से किसी ने कुछ देखा? मैंने उसे देखा सर। अच्छा सर, वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। चेहरा देखा था आपने? उसका चेहरा अंधेरे में ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा था, मुझे अपनी सीट से फिल्म बराबर से दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा कि मैं आपकी बगल वाली खाली सीट पर बैठ सकता हूँ, तो उसने मना कर दिया और कहने लगा कि कोई आने वाला है। तो कोई आया था? नहीं सर, कोई भी नहीं आया था। फ्रेडरिक्स, एम्प्टी शेल मिला है, मतलब गोली पिस्टल से चली है। खूनी चाहता था कि उसकी साथ वाली सीटें खाली रहें ताकि खून करते वक्त उसे कोई देख न सके। और हाँ सर, इंटरवल के कुछ देर बाद वो वहां से चला गया, समय शायद 5 बजे। सर ये आदमी दिखने में तो है भिखारी जैसा, मगर उसके जेब से ये मोबाइल फोन मिला है, ये पर्स मिला है और पर्स में से टिकट्स, पिक्चर की टिकटें। भिखारी की जेब में सेल फोन? अलग अलग शोज की हैं और अलग अलग हॉल की, पर्वत, रीजेंट, बर्षा, सोनावाला, सभी हॉल की टिकटें हैं सर। सर इन सारे हॉल्स में तो यही फिल्म लगी हुई है, आखिरी कोशिश। आखिरी कोशिश? एक आदमी के पास इतनी सारी टिकटें? हो सकता है सर इसने ये सारी टिकटें ब्लैक में बेचने के लिए खरीदी हो। नहीं, ये टिकटें ब्लैक में बेचने के लिए नहीं खरीदी गई थी। ये बूढ़ा कोई मामूली आदमी नहीं है, ये फिल्म स्टार अर्जुन है। ये अर्जुन भेष बदल के फिल्म देखने क्यों गया था? सर इस थिएटर के गेटमैन ने खूनी को हॉल से बाहर जाते हुए देखा था। अच्छा, उसने खूनी का डिस्क्रिप्शन बताया? वो दिखता कैसा है, उसके कपड़े वगैरह? नहीं सर, उसने सिर्फ इतना बताया कि वो हट्टा कट्टा आदमी था। और सर गेटमैन ने उसे एक टैक्सी में बैठते हुए भी देखा था। टैक्सी में? टैक्सी वाला ढूंढा जा सकता है। सर शहर में 40-50 हजार टैक्सी हैं। मुझे मालूम है कितनी टैक्सियां हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि मुंबई की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे? हमें कुछ तो करना चाहिए ना। टैक्सी यूनियन के ऑफिस में जाओ, अपने घोड़े दौड़ाओ, कैसे भी उस टैक्सी वाले को ढूंढो। यस सर। ये अर्जुन बहुत बड़ा आदमी था, देखना कितना हंगामा होगा। भाई साहब ये सब क्या हो गया? भाई साहब ये कैसे हो गया? भाई साहब, भाई साहब ये कैसे हो गया? देखो हाथ निकालो, आप समझते क्यों नहीं है? अरे आप बता सकते हो, हाथ निकालिए, हाथ निकालिए बाहर।
सर ये राजपाल है, पिछले 11 साल से अर्जुन के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये उनके सेक्रेटरी भी हैं। सेक्रेटरी तो सिर्फ नाम का हो सर, वैसे अर्जुन मेरे बेटे जैसा था। ये अर्जुन भेष बदल कर फिल्म देखने क्यों गए थे? पुरानी आदत थी सर, वो कहते थे कि अपनी हर नई फिल्म पहले हफ्ते पब्लिक के साथ बैठ कर देखूंगा। अर्जुन भेष बदल के फिल्म देखने जाता था, ये किस किस को मालूम है? एक तो मुझे मालूम है, घर वालों को मालूम है, और उनके बहुत सारे दोस्त हैं साहब, अब पता नहीं किस किस को बता रखा होगा। बस बेटी, बस बेटी, चुप हो जा, धीरज रखो बेटी, आओ तुम आप इन्हें ले जाओ, आओ आओ बेटी, आइए आप, ये सब क्या हो गया? चलो प्लीज आप भी आइए। चलो, मेरा क्या हुआ? मैं तो अनर्थ हो गया हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा भाई साहब ने, कुछ नहीं। समझ में नहीं आता कि किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं। कल तक तो ये औरत झगड़ा करती थी अर्जुन से, डिवोर्स होने वाला था दोनों का, और आज देखो कैसे रो रही। ये दूसरा आदमी कौन है? भाई अर्जुन का, आज के लिए ही आया हुआ है। अच्छा, आप जरा एक मिनट के लिए दया, हाँ। जरा इन्हें वहां ले जाओ आप जरा। हाँ जी प्लीज आइए प्लीज। अभिजीत, जब फिल्म स्टार फिल्म देखने जाएगा तो टिकट कहाँ से लाएगा? फिर खुद तो नहीं जाएगा खरीदने के लिए। या तो किसी को भेजेगा या फिर कोई उसे लाके देगा, है ना? यस सर। कौन? घर का कोई आदमी। घर में कौन कौन है? पत्नी है, भाई है, और ये सेक्रेटरी। सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को उठाओ। अरे आप मेरी बात सुनिए सर, एक चलिए। हाँ साहब, वो टिकट मैंने ही लाके दिया था। और ये वाली रीजेंट थिएटर की? जी ये भी, ये जंबो थिएटर का सीट नंबर J28, ये भी आप ही लाए थे? जी ये सारी की सारी टिकट्स मैंने ही लाकर दी थी। इसका मतलब है आप जानते थे कि अर्जुन फिल्म देखने के लिए कौन कौन से थिएटर में जाने वाला था? क्यों? जी तो फिर आप ये भी जानते थे कि थिएटर में अर्जुन कौन कौन सी सीट पर बैठने वाला था? अब ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? क्यों, अभी अभी आप ही कह रहे थे कि सारे टिकट्स आप ही लेकर आए थे। मैं लाया था मतलब मेरा आदमी लेके आया था। कहां से? सिनेमा हॉल से? नहीं, प्रोड्यूसर के ऑफिस से। प्रोड्यूसर के ऑफिस से? ये प्रोड्यूसर कहां से बीच में आ गया? अर्जुन साहब के लिए सारी टिकटें प्रोड्यूसर ने तो भिजवाई थी। अच्छा, जब टिकट आपके पास आता है तब भी तो आप देख सकते हैं सीट का नंबर? नहीं देखिए साहब, प्रोड्यूसर के ऑफिस से हमेशा एक सील्ड एनवेलप आता था, एकदम बंद, वो मैं वैसा का वैसा अर्जुन साहब को देता था। इसका मतलब है प्रोड्यूसर को इन टिकटों के बारे में सब कुछ मालूम होगा? एकदम, उसे नहीं तो किसे मालूम होगा? प्रोड्यूसर का नाम क्या है? नरोना। ये लो, मुझे जल्दी से जल्दी 10,000 पोस्टर्स चाहिए, और उसमें यहां बड़े बड़े लेटर्स में छापो सुपरस्टार अर्जुन की आखिरी फिल्म, आखिरी कोशिश। और यहां नीचे एक और लाइन छापो किस फिल्म को देखते हुए ही अर्जुन का खून हुआ था। समझ गए? जी सर। ओके चलो अब निकाल लो। और हाँ सुनो, कल परसों तक सारे पोस्टर शहर में लग जाने चाहिए। ओके जी नरोला सर। ठीक है चलो, हरी आप जल्दी करो। आप किससे मिलना है आपको? आपसे ही मिलना है। मुझसे? हम लोग CID से हैं, अर्जुन के खून के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत ही बुरा हुआ, बहुत अच्छा आदमी था वो। अर्जुन के लिए फिल्म की टिकट आपने ही भिजवाई थी ना? जी हाँ, क्यों? जिस आदमी ने अर्जुन का खून किया है वो ये अच्छी तरह से जानता था कि अर्जुन के पास कौन सा टिकट है और वो कहाँ बैठने वाला है। इसका मतलब है
मैं फंस गया। अब क्या मालूम उसके पास कौन सा टिकट है, ये तो सिर्फ आप ही जानते थे ना। अब देखिए साहब, मैं जब यहाँ से टिकटें भेजता हूँ अर्जुन के घर, तो वो एनवेलप 50 लोग खोलकर देखते होंगे, और सबसे पहले तो उनका सेक्रेटरी राजपाल वही देखता है। पर राजपाल तो कहता है कि आपके यहाँ से जो लिफाफा आता है वो बंद होता है, सील बंद। सील बंद? सील बंद? अरे साहब, मैं सिनेमा की टिकटें भेज रहा हूँ, कोई सीक्रेट रिपोर्ट नहीं कि लिफाफा सील बंद करूंगा। सील बंद? अच्छा हुआ कि आप लोगों ने फिल्में नहीं बनाई, वरना जो इस सेक्रेटरी लोगों के सामने नाक रगड़नी पड़ती है ना, कि सील बंद। जरा राजपाल को लेके आओ। राजपाल यहाँ है? सर, राजपाल जी। अरे राजपाल के बच्चे, जब तक फिल्म बनती रही तू मेरा खून चूसता रहा, अब फिल्म खत्म होने के बाद भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिए देखिए साहब, आपके और अर्जुन साहब के बीच में क्या प्रॉब्लम थी ये मैं कैसे बता सकता। प्रॉब्लम? ये खून किस वजह से हुआ ये तो सीआईडी वाले ही बताए। आपके यहां से भेजी हुई टिकटें इनके हाथ में लग गई, ये तो उसी रास्ते चल पड़े। फिर वही टिकटें? साहब देखिए, मैं बताता हूँ साहब आपको, मैं बताता हूँ। देखिए ये टिकट, इस पर लिखा है E11, लिखा है ना साहब। इसे लेकर आप थिएटर पे जाइए, बुकिंग क्लर्क से चार्ट मांगिए और उससे पूछिए कि इसके पीछे वाली सीटें खाली हैं क्या। अगर सीटें खाली होंगी तो वो आपको दे देगा। अरे पीछे वाली सीटें तो कोई भी बुक करा सकता है साहब, कोई भी। चलो मान लेते हैं कि खून करने वाले ने ऐसा ही किया कि बुकिंग चार्ट देखकर उसने अर्जुन के पीछे की 3-4 टिकटें बुक करवा ली। मगर सर, उसने ये काम सिर्फ इसी थिएटर में किया होगा या फिर? हो सकता है कि उसने हर थिएटर में जहां जहां अर्जुन जाने वाला था उसके पीछे की 3-4 टिकटें बुक करवाई। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि ऐसा ही हुआ होगा। मतलब हर थिएटर में उसने ऐसा ही किया होगा? हो सकता है, क्योंकि उसने ये सोचा होगा कि अगर अर्जुन वहां आया ही नहीं तो वो तो बैठा ही रह जाएगा अंगूठा चूसते हुए। और सर, हर जगह उसे ऐसा मौका मिलता भी नहीं, यहां तो वो निकल गया काम करके पतली गली से, कहीं और तो पकड़ा भी जा सकता था। यही सोच के तो उसने सब थिएटर्स की टिकटें ली होंगी। मगर सर, डेफिनेटली तो नहीं कहा जा सकता कि उसने टिकटें ली ही होंगी। मैं मानता हूं कि डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि हो सकता है, और इसी हो सकता है पे पुलिस का सारा इन्वेस्टिगेशन टिका रहता है। हम तो वहां पहले से होते नहीं जहां क्राइम हुआ होता है, हम तो सिर्फ सोच सकते हैं कि ये हुआ होगा और वो हुआ होगा, समझे। खैर दया सर, अर्जुन के पास कब कब की टिकटें थी? सर फ्राइडे, सैटरडे और संडे की। सर आज शनिवार है, शनिवार की कितनी टिकटें हैं? सर 7 है, 7 अलग अलग थिएटर्स के टिकट्स हैं। सर एक दिन में वो 7 जगह जाके कैसे फिल्म देख सकता था? जाता तो वो 1-2 थिएटर में, मगर कौन से थिएटर में ये सिर्फ अर्जुन को ही मालूम था। सुधाकर, तुम और सादी वर्दी वाले पुलिस ऑफिसर्स को बुलवाओ और उन 7 थिएटर्स पर कस के निगाह रखो। यस सर। मगर सर, खूनी वहां अब क्यों आएगा? खून तो हो चुका है। हाँ सर, अब क्यों आएगा वो? जरा दूसरी तरफ से सोचो कि अब वो इन 4-4 टिकटों का करेगा क्या? या तो फेंक देगा या फिर फिल्म देखेगा। मगर वो फिल्म देखेगा ही क्यों? लालच कि ये टिकटें फेंकी क्यों जाए। और खूनी के दिमाग में किसी भी हालत में ये बात नहीं आ सकती कि हम उसे दूसरे थिएटरों में ढूंढ रहे हैं। या एसीपी प्रद्युमन या? अच्छा, ये तो कमाल हो गया। आप उसे यहां ला सकते हैं प्लीज? थैंक यू वेरी मच। देखा, घास के ढेर में से एक सुई ढूंढ निकाली है उन लोगों ने। वो टैक्सी वाला मिल गया है। पर ये मिला कैसे इतनी जल्दी? अरे साहब, अपना जाल इतना जबरदस्त है ना, पूछो मत। जैसे ही आपका फोन आना सबको लगा दिया काम पे। अच्छा, हमें तो लगा ही मिलेगा नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब, पहले भी ढूंढ के दिया ना आपको, दिया कि नहीं? हाँ दिया। अपना क्या जाता है साहब, सिर्फ मुंह तो हिलाना है। मैंने एक को बोला, उसने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, बंदा हाजिर है आपका पैरेलाल। प्यारलाल, जिस आदमी को तुमने थिएटर में से बिठाया वो दिखने में कैसा था? दिखने में तो वो लंबा चौड़ा ही था। कुछ बात की उसने तुमसे? नहीं, बस एकदम चुपचाप सा बैठा हुआ था। मैंने पूछा भी, क्यों पिक्चर अच्छी नहीं लगी क्या जब बीच में छोड़कर भागा है? वो कुछ बीमार सा लग रहा था क्या?
वो थिएटर में से बोल के निकला कि उसके छाती में दर्द है। बीमार बीमार तो वो कुछ भी नहीं लग रहा था साहब जी, मगर जैसे ही हम लोग गोरेगांव लिंक रोड पहुंचे तो वो अचानक बोला गाड़ी रोको, पैसा दिया उतर कर चला गया। फिर मैं भी वही रुका रहा साहब। मैं बोला देखो तो सही चक्कर क्या है, देखा तो वो पब्लिक फोन से फोन करने लगा। भाई साहब, कल शाम को एक लंबे चौड़े आदमी ने यहाँ से फोन किया था, आप कुछ बता सकते हैं? मैं देख नहीं सकता। ओह, आप लोग पुलिस वाले हैं? ये आपको कैसे पता चला? आवाज से पता चल गया। कमाल है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कुछ आदमी ने यहाँ से फोन कहाँ किए थे? साहब, अगर आप उस आदमी को यहाँ पर लाएंगे ना तो मैं उसे पहचान सकता हूँ। पहचान सकते, मगर आप तो यहाँ जो भी फोन करने आता है ना मैं उसकी आवाज गौर से सुनता हूँ। इसका मतलब कोई आवाज अब दोबारा सुनेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि वो आदमी आपके यहाँ फोन करने आया था कि नहीं? जी साहब। कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छा है। आपके टेलीफोन बूथ का नंबर क्या है? J593S। J593S। दया, तुम्हारा दोस्त है MTNL में सुरेश, उससे पता करो, वो कंप्यूटर से बता सकता है 5:30 से 6:45 के बीच यहाँ से कहाँ कहाँ फोन हुए थे। 7, 8, 9, 10। सर, 5:20 से लेके 6:45 तक बूथ से 11 फोन किए गए थे। ये देखिए, सिर्फ 11। संतोष, संदीप, अनिल, रत्ना, सुरेश, अर्जुन, एस अर्जुन, माय गॉड, ये देखा? ये तो हाँ, देखो ये नंबर देखो, बजी घंटी। सर ये नंबर तो अर्जुन के घर का है। पर सर ऐसा कैसे? वही तो, एक आदमी अर्जुन का खून करता है और फिर आधे घंटे बाद अर्जुन के घर पे फोन करता है, क्यों? हाँ सर क्यों, खूनी अर्जुन के घर से दूर भागेगा, वो उसके घर फोन क्यों करेगा? शायद वो घर पे किसी को इस बात की खबर दे रहा है कि काम हो गया है, अर्जुन मर चुका है। इसका मतलब है खून करवाने वाला या खून की प्लानिंग करने वाला अर्जुन के घर का ही कोई आदमी है। जिस दिन अर्जुन का खून हुआ उस दिन आप कहाँ थे? मैं तो घर पे था। और आप? जी मैं भी घर पे ही थी। 5:30 से 6:00 के बीच में भी? जी हाँ। सर 5:30 से 6:00 के बीच जब वो फोन आया था ये दोनों घर पे ही थे। कौन सा फोन? 5:30 और 6:15 के बीच अर्जुन के खूनी ने आपके घर पर फोन किया था। यहाँ हमारे घर पर? जी हाँ, और उसने जरूर आप दोनों में से किसी के साथ बात की होगी। नंबर क्या था? 6249900। 6249900? ये हमारे घर का नंबर है ही नहीं। आप झूठ बोल रही हैं, ये फोन नंबर आपके घर का ही है। मेरा मतलब ये नंबर घर का है जरूर, पर घर के अंदर जो अर्जुन का ऑफिस है ना वहाँ ये लाइन लगी हुई है और मैं तो वहाँ जाती भी नहीं। सर कौन बैठता है वहाँ पे? ये बैठते हैं राजपाल, शायद उसने इन्हीं से बात की होगी। ये अर्जुन की कोई खास इज्जत नहीं करते थे, एक दिन इन्हें जोश आया फिल्म बनाएंगे, लेकिन अर्जुन ने इनके फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। सर ये और सरासर झूठ बोल रही है। सर आपने जो नंबर बताया वो ऑफिस का ही है, लेकिन उसका एक्सटेंशन घर के हर कमरे में है। बताओ तुम्हारे कमरे में है या नहीं? है या नहीं? है ना? और तुम्हारे कमरे में है या नहीं? देखिए सर है, खूनी ने जरूर इन दोनों में से किसी एक से बात की होगी। और सर ये औरत आपके सामने बड़ी भोली भाली बन रही है, लेकिन दुनिया इसकी सच्चाई जानती है। कैसी सच्चाई? यही कि अर्जुन इससे नफरत करता था, इसे तलाक दे रहा था। नहीं ये झूठ है। ये सच है सर, अर्जुन ने तो ये तक तय कर लिया था कि तलाक के बाद इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। जो मुंह में आए बक रहे हैं आप, अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता था सर। कितना फायदा हुआ इसे अर्जुन की मौत के बाद, जो कुछ अर्जुन का था वो इसका हो गया। सर हम दोनों बहुत खुश थे। खुश सर, आप कोई भी फिल्मी मैगजीन उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या कलेश चल रहा था, रोज झगड़े होते थे यहाँ पे। फिल्म मैगजीन में लिखाया किसने, उन्हें बताया किसने? घर में थोड़ी सी बहस हो गई और इन्होंने लिखवा दिया कि डिवोर्स हो रहा है। मगर खूनी ने यहाँ फोन पे किसके साथ बात की ये अभी तक पता नहीं चला है। इससे की होगी, मुर्गेश से। मुझसे? क्या बकवास कर रही हो तुम? सर इस आदमी ने अर्जुन के नाम पे लोगों से लाखों रुपए लिए थे। अर्जुन तो अखबार तक में ये छपवाने के लिए तैयार था कि ये मेरा भाई है ही नहीं, ये जेल जाने वाला था, तभी तो आया भागा भागा अर्जुन से माफी मांगने के लिए।
हाँ सुधाकर, कहां पे? चंबो थिएटर में? देखो ठीक से निगाह रखो उन पर, जाने ना पाए वो लोग, समझे? सर, आपका अंदाजा सही निकला, कुछ लोग जंबो थिएटर में आके बैठे हुए हैं। अर्जुन के पास जो टिकट थी उसके पीछे वाली सीट पे? यस सर। हाँ सुधाकर। सर, अर्जुन के पास जिस सीट का टिकट था उसके पीछे वाली सीट पर तीन लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन है? दो लड़कियां, एक लड़का। अभी घेर लेते हैं। हॉल भरा हुआ है सर। भरा है? दया, अगर अंदर बैठा हुआ आदमी खूनी है तो उसके पास गन हो सकती है। अंदर एक भी फायर हुआ तो भगदड़ मच जाएगी, जाने जा सकती है। वो आदमी किसी भी हाल में हाथ से निकलना नहीं चाहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.